Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कल नतीजे आ चुके हैं और उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है। 273 सीट बाबा को मिला है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को 273 वोट मिले हैं, 273 सीट मिले हैं। तो वही समाजवादी पार्टी के, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, उनके अलायंस को 125 सीट मिले हैं। बीएसपी एक सीट पर सिमट गई है और अन्य दो जीते हैं। कांग्रेस ने भी अपना इस बार सीट बीएसपी से ज्यादा लाया है और दो सीट वहां पर जीत पाई है। इस तरीके से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लिए हैं। लेकिन इन सबके परे सबकी ज्यादा जो निगाहें होती हैं वो ये होती है कि आखिरकार कौन वो प्रत्याशी है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, और आखिरकार वो ज्यादा वोटों से जीता है तो उसके जीतों का अंतर क्या है। जैसे कई सारे नाम आते हैं, शिवपाल सिंह यादव का जब नाम आता है तो एक बड़ा सा आंकड़ा सामने आ जाता है कि इतने लाख से वोट जीते होंगे। जब राजा भैया का कोई नाम सुनता है तो कहते होंगे कि कुंडा से भाई इतने लाख से वो वोट जीत गए होंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज, जहां पर वो चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर में 9 की 9 सीटें गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ कितने वोट से जीते हैं। तो वहीं यादव बहुल्य क्षेत्र, जो कि यादव का गढ़ कहा जाता है, करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जब चुनाव लड़े हैं तो आखिरकार उनके चुनाव का अंतर कितना रहा है। तमाम तरीके के सवाल आते हैं, तो आज मैं उन पहलुओं पर बात करने वाला हूं कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जो सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीते हैं। मैं लिस्ट बता रहा हूं और लिस्ट के अंतिम में सबसे ज्यादा जीतने वाले वोट से प्रत्याशी का नाम बताने वाला हूं। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़े थे और लगभग 1,03,224 वोटों से वो अपनी जीत दर्ज की। हालांकि 1 लाख वोट से जीत दर्ज करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी बात होती है, और इससे चेहरे सीएम के चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतलब कि कह भी नहीं सकते सीएम का चेहरा हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। हालांकि फिर भी 1,03,274 वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से लड़े हैं। हालांकि उनको एक केंद्रीय मंत्री जैसे दिग्गज जो है एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े थे और वहां पर काफी ज्यादा हमला उमला हुआ था, डाइवर्जन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने 66,782 वोटों से जीत दर्ज किया है करहल विधानसभा से। अगला नाम आता है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव जब का नाम आता है तो लाख से ज्यादा वोट की ऐसे ही लोग जो हैं परसेप्शन बनाए रखते हैं। इस बार भी उनका यही कहना था कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। हालांकि वो कुछ सीमा तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी 90,077 वोट से शिवपाल सिंह यादव ने जीत दर्ज किया है। इसके अलावा आता है राजा भैया भी लगातार कई बार से लाखों वोट से ज्यादा मतों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनको गुलशन यादव ने जबरदस्त तरीके का टक्कर दिया और 30,418 वोट से ही महज उनको जीत मिली है। अगला नाम आता है राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह, जो कि नोएडा से विधायक है और इस बार भी नोएडा से ही चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उनकी एक बड़ी जीत है और उनकी बड़ी जीत 1,81,369 वोट है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने बड़ी जीत दर्ज की है तो वो साहिबाबाद विधानसभा सीट से। जी हाँ, बात करें तो साहिबाबाद विधानसभा सीट से सुनील कुमार शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 2,14,845 वोटों से जीत दर्ज किए हैं, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायकी का चुनाव 2,14,845 वोटों से जीतना एक कितनी बड़ी बात हो जाती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.